खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां ट्रिपल मर्डर केस में 74 साल की महिला की लाश पलंग पेटी में मिली। बेटे और पोते के शव 28 किलोमीटर दूर मिले हैं। आपको बता दें, उज्जैन में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है कि मां उसके बेटे और पोते की हत्या कर दी गई। थाना चिमनगंज मंडी के हाई नगर स्थित मकान में महिला का शव पलंग पेटी के अंदर मिला। उसके हाथ पैर बंधे थे। 28 किलोमीटर दूर इंगोरिया थाना इलाके में बुरावदा गांव में उसके बेटे और पोते के शव झाड़ियों में मिले। महिला का शव 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। बुरावदा में सोमवार की रात 2 शव मिले थे। इनकी पहचान 45 साल के राजेश नागर और उनके 21 साल के बेटे पार्थ के रूप में हुई। पहचान पत्र के आधार पर पुलिस मंगलवार सुबह हरिनगर स्थित उनके घर पहुंची। मकान पर ताला लगा हुआ था। वहीं पड़ोस के लोगों से पता चला कि 5 दिन से किसी ने भी घर वालों को नहीं देखा। इसके बाद FSL की टीम को बुलाया गया। एक एक कर मकान के 3 ताले तोड़े गए। अंदर से बदबू आ रही थी। जब पलंग पेटी को खोला गया तो सरोज नागर की रजाई से ढकी लाश मिली। तीनों शव पर धारदार हथियार के निशान हैं। एडिशनल SP आकाश भूरिया, CSP अश्विन नेगी और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जांच की। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बताया कि परिवार में तीनों सदस्यों का किसी से ज़्यादा मेलजोल नहीं था, ना ही किसी से वे बातचीत करते थे। राजेश की पत्नी भी उनके साथ नहीं रहती थी। परिवार के लोग ब्याज से रुपये देने का काम करते थे। शुरुआती जाँच में यह बात सामने आई है कि हत्या की वजह लूट नहीं है। घर में 1500 रुपये मिले हैं। पूरे घर में किसी कागजात को खोजने की भी कोशिश नहीं की गई है। पुलिस को पूरा घर अस्त व्यस्त मिला। पुलिस के मुताबिक अलमारी में कागजात को तलाशा गया है।